चलिए तो देखिए, अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, सिंपल सिंपल से बात बताया मैंने। देखो ट्रांसलेशन 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, हो गया एक्टिव अमीनो साइट टीआरएनए सिंथेटिक एंजाइम के प्रेजेंस में, एक एटीपी बना। बना क्या? अमीनो साइट टीआरएनए सिंथेटिक एंजाइम कॉम्प्लेक्स, उसको ये बोल सकते हो आप अमीनो साइट एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एएमपी इसके साथ अटैच। वो बाइंड किया राइबोसोम के टीएचयू लूप, सॉरी टीआरएनए के टीएचयू डीएचयू लूप पर। बाइंड करने के बाद एंजाइम एएमपी अलग और अमीनो साइट 3D सेंट पर ट्रांसफर कर दिया। ये हुआ चार्ज टीआरएनए। अब इसकी ही कहानी मुझे देखनी है क्या होने वाला है। थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, लाइक पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। वो 3 स्टेप होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, डेरिवेशन। तीनों ही स्टेप में एनर्जी करेंसी लगती है। तीनों ही स्टेप में कुछ कुछ इनिशिएशन फैक्टर लगते हैं, इलोंगेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर। तो उसी में से हम पहला ले रहे हैं इनिशिएशन। तो सबसे पहले आप इनिशिएशन का रिक्वायरमेंट समझिए, क्या रिक्वायरमेंट है। टीआरएनए आएगा, कौन सा टीआरएनए? बोलो, चार्ज टीआरएनए। अरे यस नो, चार्ज टीआरएनए आएगा भाई। वो बाइंड किसके साथ करेगा? राइबोसोम के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? राइबोसोम भी चाहिए। राइबोसोम का दोनों सब यूनिट इनिशिएशन में ही आ जाएगा, देख लेना। पहले स्मॉलर आएगा और तब जाके लार्जर आएगा। तो चार्ज टीआरएनए चाहिए, राइबोसोम चाहिए। चार्ज टीआरएनए मतलब उसमें अमीनो एसिड लोडेड है, लोडेड टीआरएनए भी कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ माल पत्तर मतलब जीटीपी चाहिए। मैंने कहा जीटीपी, अब आगे हर जगह जीटीपी लेना। और कुछ क्या चाहिए भाई? इनिशिएशन फैक्टर। अगर प्रोकैरियोट में बात करें तो 1 इनिशिएशन फैक्टर, 2 इनिशिएशन फैक्टर, 3। और यूकैरियोट में बात करेंगे तो इनिशिएशन फैक्टर 1, सो ऑन, इनिशिएशन फैक्टर 10। ये चाहिए। एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नीशियम +2 आयन चाहिए। वो लार्जर और स्मॉलर सबनेट को जब जोड़ा जाता है ना, तो मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है। सेल में भी पता है, ये स्मॉलर और लार्जर को जब जोड़ोगे ना, तो उस टाइम मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। तो सभी का रोल आपको अभी समझ में आएगा। कहानी करें स्टार्ट करें, अब समझना मेरी बात। आपके सामने मैं एक स्मॉलर सबनेट बना रहा हूं, बनाऊ? ये लो, बनाया। ये है स्मॉलर सबनेट, डिस्क से। रुको एक मिनट, रुको, इसको पहले मिटाता हूं, तब मजा आएगा। चलो, तो ये लो, मैं आपके सामने एक बना रहा हूं, क्या? डिस्क शेप का, क्या भाई? स्मॉलर सबनेट ऑफ राइबोसोम। अच्छा बताओ, अगर स्मॉलर सबनेट राइबोसोम है तो या तो हो सकता है कि ये 30S राइबोसोम का सबनेट हो, मतलब 30S स्मॉलर यूनिट हो, किसका? प्रोकैरियोट का। या तो हो सकता है ये यूकैरियोट का 40S वाला हो। हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट का, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, यूकैरियोट प्रोकैरियोट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं बातों को पैरेलल में लेके चल रहा हूँ। लेकिन एक्सक्लूसिवली आपके सिलेबस में प्रोकैरियोट की है, तो जहां जहां पे इजी इजी बातें हैं यूकैरियोट का कंपैरिजन, तो वो तो मैं करा ही सकता हूँ ना भाई, कोई दिक्कत है क्या? तो हो सकता है कि अगर ये प्रोकैरियोट का हो तो 30S राइबोसोम से स्मॉलर सबनेट होगा, और यूकैरियोट का हो तो 40S होगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, ये रहा एमआरएनए आपका, जो बन के आया था अभी जस्ट डीएनए से। ये एमआरएनए है, और ये एमआरएनए का 5' एंड है, और ये एमआरएनए का 3' एंड है। और एमआरएनए का स्टार्टिंग कोडन, इनिशिएशन कोडन, कोई बोलेगा AUG, याद है? ये है। अब मुझे एक बात बताओ, ये mRNA है भाई साहब, ये क्या है? पूरा का पूरा mRNA। ये mRNA इस राइबोसोम के साथ बाइंड कर जाए, मजाक तो नहीं है? राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट्स के पास कुछ बाइंडिंग साइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप ही लोग बताओ मुझे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे mRNA तो बाइंड नहीं करेगा ना उसके साथ। यहाँ इनिशिएशन में पहले यही होने वाला, mRNA राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट्स के साथ पहले बाइंड करेगा। ऐसे कैसे करेगा भाई? कुछ तो बाइंडिंग साइट होगा ना इस राइबोसोम के यूनिट के पास। तो याद करो, राइबोसोम का स्मॉलर सबनेट, अगर ये 30S है तो इसके पास आरआरएनए कौन सा होगा? 16S वाला, याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है। और इसके पास होगा 18S यूकैरियोट। अरे ठीक है, तो मान लो ये मैंने बताया आरआरएनए, ये ठीक है। तो मैंने कहा आरआरएनए में कुछ खास सीक्वेंस होता है, क्या होता है? कुछ खास सीक्वेंस होता है, और इस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं एसडी सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? साइन डेलगार्डो सीक्वेंस, साइंटिस्ट के नाम पे साइन डेलगार्डो।
उन्होंने ही इस सीक्वेंस के बारे में पहली बार कुछ बातें करी थी, एस डी सीक्वेंस, साइन डेलगेडनो, साइनी डेलगेडनो सीक्वेंस, ठीक है। अब समझना, इनका कहना है कि इस आर आर एन ए में, चाहे वो प्रोकैरियोट का हो कि यूकैरियोट का, इस आर आर एन ए में यहाँ पे कुछ खास सीक्वेंस होता है जो इस एम आर एन ए के पर्टिकुलर सेगमेंट के कॉम्प्लीमेंटरिटी में होता है, और वो पर्टिकुलर सीक्वेंस स्टार्टिंग कोडोन के पहले यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे ऐसे। तो बता, अगर ये एस टी सीक्वेंस है, उन्होंने अपने नाम पे रखा है, तो क्या ये उसको एंटी एस टी सीक्वेंस बोल सकते हैं? कोई दिक्कत? एंटी एस टी सीक्वेंस, वो उसके कॉम्प्लीमेंटरिटी में है, इसलिए इसको बोला एंटी एस टी सीक्वेंस। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर ये एस टी सीक्वेंस यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में सेम तो नहीं होगा? बिल्कुल बात है, सेम तो नहीं होगा। और ये सीक्वेंस क्या है, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, सीक्वेंस क्या है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये समझिए कि एक साइंटिस्ट थे साइने डेलगेडनो, उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई खास सीक्वेंस होता है स्मॉलर सबयूनिट के आर आर एन ए में, जो एम आर एन ए के इनिशिएशन कोडोन के पहले भी आर एन ए का कुछ सेगमेंट होता है, जैसे प्रोटीन नहीं बनना है, लेकिन ये सेगमेंट इस राइबोसोम के स्मॉलर सबयूनिट के आर आर एन ए के साथ कॉम्प्लीमेंटरिटी रखता है, और यही वाला सेगमेंट इसके साथ जब बाइंड करेगा तो आर आर एन ए इसके अंदर घुस के आराम से बाइंड हो जाएगा। अब समझिएगा, उन्होंने प्रोकैरियोट के मामले में तो क्या बोला कि सिंपली किया एस टी सीक्वेंस और एंटी एस टी सीक्वेंस, बाद में पता चला कि यूकैरियोट्स में जिसके बारे में वो एंटी एस टी सीक्वेंस कह रहे हैं, वो तो कौन है जो कैपिंग के दौरान एम आर एन ए को पढ़ाया जाता है, और वो कैपिंग होता है 7mg कैप। मैं गलती से पहले आपको 5mg कैप बता दिया हूँ स्प्लाइसिंग, नॉट 5mg, 7-methylated guanine, नॉट 5, एक्चुअल में 5' एंड पर होता है, मैं गलती में 5mg बता रही हूँ। तो ये याद कीजिए, कैपिंग पहनाया था ना यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट में नहीं। तो यूकैरियोट्स में ये कैपिंग यहाँ पे पाए जाने वाले, ये जो 18s राइबोसोम का जो यूनिट होता है उसके साथ कॉम्प्लीमेंटरिटी रखता है, उसका काम ही वही है, कॉम्प्लीमेंटरी रखता है, तो ये इसके साथ बाइंड करता है। और प्रोकैरियोट्स में, ये प्रोकैरियोट का मैंने यहाँ पे बनाया, प्रोकैरियोट्स में यहाँ 16s आरएनए में ये कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो इस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंटरिटी में है, तो ये इसके साथ बाइंड कर सकता है। यहां तक कितने को समझ में आया, हाथ खड़ा कीजिए। ये बाइंडिंग कितने को समझ में आया, हाथ खड़ा कीजिए। लड़की पार्टी भाई जल्दी से बोलो। रिभा नहीं समझ में आया, रिभा अब कुछ बोल ही नहीं रही है, आवाज नहीं आया समझ में, राइज हैंड ही हो नहीं रहा, नहीं हो रहा है। चलो, तो यहां तक जो है, अभी तक, अभी मैंने अभी बाइंडिंग कराया नहीं है, अभी समझा रहा हूँ बाइंडिंग के लिए। तो अब क्या होगा, जब ये सब कुछ हो चुका है, उधर तुम्हारा टीआरएनए तैयार है, जस्ट टीआरएनए घूम रहा है साइटोप्लाज्म, राइबोसोम की सबयूनिट भी बर्बन के अंदर से ही बाहर आती है, स्मॉल और लार्जर दोनों जुड़ी भी नहीं आती है बाहर, स्मॉलर अलग बिखरा पड़ा है, लार्जर अलग बिखरा पड़ा है राइबोसोम का यूनिट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला पार्ट के साथ इसका बाइंडिंग हो गया, तो लो मैं बाइंडिंग करा दूं। यहाँ पे इन दोनों के बाइंडिंग के दौरान इनिशिएशन फैक्टर थर्ड यूज होगा, उल्टा होता है, पहले थर्ड तब टू तब वन, प्रोकैरियोट का पढ़ रहे हो तो इसलिए मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड यूज होता है, ठीक है। और यहीं पे मैग्नीशियम प्लस टू भी निचोड़ के ले लेते हैं। चलो भाई, मैग्नीशियम प्लस टू आप आगे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो। फाइनली अब बताओ, अब जो मैं डायग्राम बनाऊंगा, क्या ऐसा डायग्राम बनाऊ, ध्यान देना सभी लोग, क्या अब मैं ऐसा डायग्राम यहाँ पे बना दू, ये पर्टिकुलरली इसके साथ ऐसे बाइंड हो जाएगा, ये क्या एमआरएनए, हेलो ये क्या एमआरएनए है, ये पूरा लंबा सा एमआरएनए होगा, बहुत लंबा सा, उसका तो बस ये स्टार्टिंग वाला पार्ट, मुझे एक्चुअली इनफैक्ट इसको थोड़ा सा इधर लेना था, लो मैं ले देता हूँ, आप समझ रहे हो ना, ये यहाँ पे होगा तुम्हारा स्टार्टिंग कोडोन AUG, ठीक है, ये अगला कोडोन, फिर यहाँ पे कुछ होगा मान लो, फिर अगला कोडोन यहाँ कुछ होगा, अगला कोडोन ऐसे सो ऑन, उधर ये एमआरएनए का 5' एंड है, ये उधर कहीं 3' एंड होगा, और ये यहाँ पे
एंटी एसडी सीक्वेंस और ये एसडी सीक्वेंस उस राइबोसोम का स्मॉलर सबयूनिट। अगर यूकैरियोट रहा तो यहाँ पे क्या रहेगा 7mg कैप और ये क्या रहेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री टीम जो 18 sRNA का पार्ट होगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना तो क्या आप इस कॉम्प्लेक्स को राइबोसोमल सबयूनिट बोलेंगे? नहीं। क्या इसको mRNA बोलेंगे? नहीं, उन दोनों का कॉम्प्लेक्स है। तो क्या आप इसको 30S या 40S, अलग अलग हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही होगा, मैं दोनों को एक साथ पैरेलली पढ़ा रहा हूँ, 30S या 40S mRNA कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो? यहां तक सभी को समझ में आया था? हाथ रखिए। क्या इसको आप मतलब कि स्मॉलर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम एंड mRNA का कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है। अब लोग कायदे से आपके मन में क्या आ रहा होगा कि लार्जर सबयूनिट को लाके बाइंड करें, यस और नो? आपके मन में ये आ रहा होगा, आ रहा है ना कि अब लार्जर सबयूनिट को लाके बाइंड करें, आ रहा है ना मन में? नहीं। जिसका क्लास में रोल नंबर 1 रहता है ना उसको जल्दी मची रहती है, खैर उसकी जिम्मेवारी भी अलग होती है। इसलिए तो होता क्या है, लार्जर सबयूनिट के बाइंड होने से पहले ही पहला वाला tRNA एक्टिवेटेड चार्ज tRNA, पहला वाला जो मिथियोनिन लेके घूम रहा है साइटोप्लाज्म, वही सबसे पहले आके बाइंड हो जाता है, साइड में घूम रहा है, ताक में है, कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो मुझे बोल दिया गया रोल नंबर 1 आ जाना, जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा मुझे सिखा दिया गया रोल नंबर 1 आ जाना, रोल नंबर 1 मेरा ही है। तो वो कौन है? साइड में इधर घूम रहा है। कौन घूम रहा है? रोल नंबर 1 किसका है क्लास में? जिसके माथे पर क्या है? मिथियोनिन है, चार्ज tRNA जिसके माथे पर मिथियोनिन है। हालांकि ये प्रोकैरियोट होगा तो फॉर्मलाइटेड मिथियोनिन होगा। क्या मैं इसको FM लिख सकता हूं? हेलो, याद है प्रोकैरियोट में फॉर्मलाइटेड मिथियोनिन होता है, मिथियोनिन का डिराइव फॉर्म रहता है, ठीक है? तो वो घूम रहा है इधर से उधर, जैसे ही कॉम्प्लेक्स बना तो वो आ जाता है। और वो अकेले नहीं आता, वो तो आता ही है यहाँ पे, अपने साथ GTP को लेके आता है। चलो यहाँ आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अतिक बताएगा, अगर मान लिया जाए पहला कोडोन यहाँ पे कौन है? AUG है, ये तो यहाँ पे बाइंडिंग में हेल्प किया ना, ये पहला कोडोन AUG है। तो जो पहला चार्ज tRNA आ रहा है उसका एंटी कोडोन क्या रहा होगा? UAC, बिल्कुल सही बात है, यही रहा होगा। तो इसको कैसे पता चला tRNA को, पहला वाले को? उसको बोल दिया गया है, अरे रोल नंबर 1, कौन है भाई रोल नंबर 1? जिसका एंटी कोडोन UAC है वो रोल नंबर 1 वाला है, जैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा तुमको बिना बोले ही आ जाना है, और अपने साथ पढ़ाई लिखाई करने वाला किताब को भी लेके आना, मतलब अपना GTP लेके आना जुड़ने के लिए। तो ये आ जाता है, GTP लेके आता है साथ। यहाँ पे भी कुछ मैग्नीशियम फैक्टर का रोल होता है, मैग्नीशियम प्लस का, तो GTP लेके आता है। GTP क्या करता है? टूटता है और एनर्जी देता है, बस इसका इतना ही काम है। उसी एनर्जी की मदद से ये UA के साथ, AU के साथ, CG के साथ कंप्लीमेंटरिटी बेस पेयरिंग कर देता है। क्या कर लेता है? कंप्लीमेंटरिटी बेस पेयरिंग। अच्छा एक बात बताओ, आप इस tRNA को क्या बोले? चार्ज tRNA, तो क्या आप इसको फॉर्माइल मिथियोनाइल tRNA कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो? हाँ भाई, चार्ज tRNA। और तो वो जब यहाँ आ गया, अब वो बाइंड कर जाने के बाद क्या डायग्राम कुछ ऐसा होगा? देखो ध्यान से, क्या डायग्राम कुछ ऐसा होगा? इसी में मैं बना दूं, इसी वाले में बना देता हूँ, ज्यादा सीखने का। चलो अब उसको बाइंड करा देते हैं, समझ रहे हो? GTP लेके आया होगा वो अपना, लो मैं बाइंड करा रहा हूँ उसको, ये रहा tRNA, ये देखो कैसे बाइंड करेगा। ए उसके सामने आ जाएगा, ए मतलब ए के सामने यू, इसके सामने कौन आ जाएगा? ए, इसके सामने सी। अब आपको पता है बॉन्डिंग कितना होगा यहाँ पे, आपको पता है ए और यू के बीच में डबल बॉन्ड, ए और यू के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। एनर्जी कौन दिया? GTP। हेलो, एनर्जी कौन दिया? GTP। एनर्जी कौन दिया? GTP। अच्छा ये ऐसे नहीं है, ये इस टाइप से है, ध्यान देना, ये ऐसे है, ठीक है? वो उसके अंदर घुस जाता है, थोड़ा सा मेरा डायग्राम छोटा है, ठीक है, सब बात को समझना था, ठीक है? ये रहा, इसके माथे पे कौन है? इधर मिथियोनिन है, वो पूरा उसके अंदर घुस जाता है। यार मेरा डायग्राम थोड़ा छोटा पड़ गया, ठीक है? आधा पार्ट अंदर रहता है, आधा पार्ट बाहर रहता है। आधा पार्ट का मतलब ये वाला पार्ट जो एंटी कोडन वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा अंदर ले लेना, ठीक है? कोई बात नहीं, आप समझ चुके होंगे ये वाला पार्ट। तो अभी तक क्या हुआ है, फिर से मैं आपको रिपीट करूं? अरे भाई अभी तो हुआ यही है कि जो 30S या 40S वाला यूनिट था, अब आगे प्रोकैरियोट की पूरी कहानी करेंगे, ठीक है? तो मान लीजिए स्मॉलर सबयूनिट क्या किया, अपने RRNA जो 16S rRNA उसके पास, उसके एसडी सीक्वेंस ने एंटी एसडी सीक्वेंस जो mRNA के स्टार्टिंग कोडोन के पहले है,
जो आगे प्रोटीन बनाने में काम नहीं आना है, केवल बाइंडिंग में काम आना है, mRNA का बाइंडिंग और स्मॉल एसिड का बाइंडिंग। बाइंड करके बनाए 30S 40S mRNA कॉम्प्लेक्स। फिर जब जैसे ही पता चला कि कॉम्प्लेक्स बन गया तो रोल नंबर 1 कौन है, मिथियोनिन वाला, वो आ गया। अब शायद आपको यहाँ पे आभास हो रहा होगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग कोडन को अभी रिकॉग्नाइज भी कोई नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आ गया। नेचर ने ऐसा रूल बना के रखा हुआ है, क्योंकि पता है देखना, रिकॉग्निशन मैंने बताया, रिकॉग्निशन करने का काम बेसिकली किसका है, राइबोसोमल आरएनए का, आरआरएनए, जो लार्जर सबनेट में होता है उसका, ना कि स्मॉलर सबनेट में। स्मॉलर सबनेट का आरआरएनए का काम समझ में आया, एमआरएनए को बाइंडिंग कराने में हेल्प करना, बस इतना ही काम है उसका, बस इतना ही काम है। स्मॉलर सबनेट के राइबोसोमल आरएनए जो आरआरएनए है उसका काम है एमआरएनए को बाइंड कराना। जो लार्जर में है, प्रोकैरियोट में 2, यूकैरियोट में 3 आरआरएनए, उसका काम है बेसिकली कोडोन रिकॉग्निशन। तो वो तो अभी आया नहीं है, तो वो जब आया नहीं है, स्टार्टिंग कोडोन पहचाने का कौन, तो नेचर ने फिक्स कर दिया, स्टार्टिंग कोडोन को पहचानने की जरूरत ही नहीं है, स्टार्टिंग कोडोन में फिक्स कर देता हूं, AUG ही होगा और उसका एंटीकोडन UAC ही होगा, ये फिक्स हो गया। अब आप बोलोगे सर कभी कभी AUG के बदले GUG भी आ जाता है, तो मैंने कहा था अगर GUG भी आएगा तो उस टाइम भी जो पर्टिकुलर यहाँ पे अमीनो एसिड लेके आने वाला होगा वो UAC ही होगा। याद आ रहा है, उबली बेस, अरे उबली बेस, नेचर ने ये फिक्स कर दिया है, पहला अमीनो एसिड तो मिथियोनिन ही होगा। इसका कारण आज मैं आपको बता रहा हूं, उसका कारण क्या है कि जो पहला अमीनो एसिड आता है वो पहले चार्ज tRNA के साथ आता है, और पहला जो चार्ज tRNA आता है वो कोडोन रिकॉग्निशन करने वाले लार्जर सबनेट के पहले ही आता है, उसको इतना जल्दी मची है, पहले ही आ जाता है। तो उस टाइम तो कोडोन रिकॉग्निशन हुआ नहीं है, तो कोडोन रिकॉग्निशन अगर हुआ नहीं है तो कोडोन को पहचाने का कौन, तो पहचाने का झंझटे नहीं है, यहाँ फिक्स कर दिया गया। तो आपके मन में आ रहा होगा कि दुनिया के हर प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड मिथियोनिन होगा, ऐसा नहीं है। अगर जब बाद में प्रोटीन बना तो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, तो अगर बाद में प्रोटीन में पहले अमीनो एसिड पे मिथियोनिन की जरूरत है तो रहने देंगे, नहीं है तो हटा देंगे। लेकिन जब प्रोटीन बनता है तो दुनिया में हर अमीनो एसिड में प्रोटीन बनने के साथ जैसे देखोगे प्रोटीन को तो उसमें पहला अमीनो एसिड मिथियोनिन नहीं होगा। लेकिन जब प्रोटीन पूरा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, उसका तुम जानते हो बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया मैंने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो जब मैच्योरेशन हो रहा होता है तो उस दौरान अगर मिथियोनिन को हटाना है तो हटा देंगे, नहीं हटाना है तो रहने देंगे। ये मैच्योरेशन प्रोसेस कहलाता है प्रोटीन का। तो वो रीजन मैंने बता दिया कि पहला मिथियोनिन क्यों है, क्योंकि मिथियोनिन जिस पर्टिकुलर tRNA के साथ आता है वो कोडोन रिकॉग्निशन के पहले ही पहुंच जाता है, वो चार्ज tRNA, इसीलिए स्टार्टिंग कोडोन फिक्स कर दिया गया AUG, इसीलिए उसका एंटीकोडोन जो भी होगा, हालांकि वो UAC होगा, वो UAC ही होगा एंटीकोडोन, वो फिक्स है। भले ही यहाँ पे कोडोन कभी कदाल UG हो जाए, लेकिन कोडोन एंटीकोडोन फिक्स होगा, तो वो मिथियोनिन को लेके ही आएगा। तो अभी तक तो इतना काम हुआ है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया तो बोलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं, चलिए बोलिए पढ़ाए आगे, चलिए। तो अब इधर वाली बात, अच्छा देखो इधर 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 देखो अभी क्या क्या यूज हो गया, देखो इधर ध्यान से, यहाँ पे अभी आपका, अच्छा इस दौरान इनिशिएशन फैक्टर 2 भी यूज हुआ और GTP भी यूज हुआ, ठीक है। तो देखो क्या क्या यूज हो गया, चार्ज tRNA यूज हो गया, ये देखो मैं टिक लगा रहा हूँ मोटा वाले से, चार्ज tRNA यूज हो गया, राइबोसोम का स्मॉलर सबनेट यूज हो गया, GTP यूज हो गया, यहाँ पे देखो इनिशिएशन फैक्टर 3 और 2 यूज हो गया, बच क्या क्या गया है, इनिशिएशन फैक्टर 1 बच गया है बस, और लार्जर सबनेट बच गया है, कितना चीज बचा है, ये यूकैरियोट का छोड़ो, अब यहां तक समझ में आ गया कि क्या क्या यूज हो गया, सभी लोग हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा मैग्नीशियम प्लस 2 भी यूज हो गया है, क्या क्या यूज हो गया सभी लोग को समझ में आ गया, हाथ खड़ा कीजिए। चलो भाई ठीक है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन चुका है, चलो आ जाओ इसको मिटाते हैं, अब इस वाले पार्ट को मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी जस्ट मैंने आपको लार्जर सब यूनिट बताया था, किसी को याद है स्ट्रक्चर, अभी जस्ट बताया था, किसी को याद है,
अरे ऐसा डोम शेप, डोम शेप लार्जर सबनिट, नहीं याद आ रहा है। उसमें तीन अलग अलग खंबा, मतलब ये चैम्बर, अब तो याद आ गया होगा। ये कौन सा साइट है? ए साइट। ये कौन सा साइट है? पी साइट। और ये कौन सा साइट है? ई साइट। ये बिखरा वहां पे रखा हुआ है, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म। और ये इधर बनके तैयार है। अच्छा, इसका डायग्राम मैं इधर नीचे में बनाऊं, इधर यहाँ पे बना सकता हूँ? बोलो। हाँ भाई, काहे नहीं बना सकते हैं, ऐसे करके चलो। यहाँ पे ये mRNA है भाई, इधर लंबा है mRNA पूरा, ये 5' है, ये 3' है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे क्या है? ये AUG पहला कॉम्प्लेक्स था, मतलब पहला कोड था, सॉरी AUG। अच्छा, उसके साथ कौन बाइंड किया है? जल्दी बोलो। UAC। ये कौन है? tRNA है यहाँ पे, बिल्कुल है। tRNA है यहाँ पे, मिथियोनिन जुड़ा हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ये कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है? नाम इधर लिखा हुआ है, 30S 40S mRNA कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है यहाँ पर, ये राइबोसोमल का लार्जर सबनिट्स, राइबोसोम का लार्जर सबनिट्स, इनिशिएशन फैक्टर वन आता है लेके, इनिशिएशन फैक्टर वन आता है लेके, और पूरे का पूरा ये पूरा खांच उसके अंदर फिट होता है। कौन? इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इस तरीके से फिट होता है। सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी लोग सुनेंगे ध्यान से। इस तरीके से फिट होता है कि जो पी वाला साइट है, पी वाला साइट इस पूरे को घेर लेता है। घिरवा दें? अरे घिरवा दें, ऐसे घेर लिया। ये पी साइट है, ठीक है। अरे यार क्या हो गया भाई? हाँ, ये पी साइट है। वन सेकेंड वेट करो, थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं। पी साइट जुड़ गया। अच्छा, अगर इस तरीके से वो आके सेट किया कि पी साइट ने उस पहले चार्ज tRNA जो बाइंडेड है उसको घेर लिया, तो उसके साइड में इधर कौन फ्री रह गया होगा? दली बोलो। ए साइट, राइट। अरे बोलो। और इधर कौन फ्री रह गया होगा? दली बोलो। ई साइट। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? और ये पूरा क्या है? प्रोटीन उसको कवर किए हुए पूरा ऐसे। ये हो गया बाइंडिंग। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, बाइंडिंग हो गया ना, इसलिए अब इसको मिटा दें। बाइंडिंग हो गया। ये बाइंडिंग कितनों को समझ में आया? हाथ करा के जल्दी से। ये वाला बाइंडिंग कितनों को समझ में आया? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा पोर रहा होगा ऐसे, यहाँ पे रहा होगा थोड़ा सा पोर, और यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। चलिए, वो तो आपको पता है, पोर तो आपको पता है। फाइनली क्या हुआ? इस तरीके से उसका बाइंडिंग हुआ लार्जर सबनिट्स का, कि ए साइट अवेलेबल है, खाली है, ई साइट खाली है, पी साइट में पहला वाला चार्ज tRNA आके फिक्स हो गया। दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये क्या है भाई? यही है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अभी तो बस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना के तैयार किए हैं, पहला स्टेप समाप्त हुआ इनिशिएशन। मैं एक बार पूरी कहानी स्टोरी के फॉर्म में सुनाता हूँ, क्या हुआ, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। हुआ यही, सबसे पहले क्या दिखा कि चार्ज tRNA तैयार खड़ा बैठा है, राइबोसोम का दोनों सबनिट खड़ा तैयार बैठा है, कुछ GTP है, मैग्नीशियम आयन है, इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3 खड़ा है। सबसे पहले mRNA और राइबोसोम की स्मॉलर सबनिट्स की बाइंडिंग हुई, तो उससे क्या बना? 30S 40S mRNA कॉम्प्लेक्स। कैसे हुआ ये? क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर 30S RNA का 16S RNA के पास ST सीक्वेंस है, जो mRNA के इनिशिएशन कोडन जो स्टार्टिंग में है उसके भी पहले जो पर्टिकुलर रीजन है, जो आगे ट्रांसलेशन में काम नहीं आएगा, मतलब आगे कोई ये नहीं करेगा, वो ट्रांसलेट नहीं होगा अमीनो एसिड, लेकिन वो क्या करेगा? mRNA को उस राइबोसोम के स्मॉल सबनिट्स के साथ बाइंडिंग में हेल्प करेगा, बाइंडिंग होने के बाद कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस दौरान इनिशिएशन फैक्टर 3 और GTP यूज होता है, चाहो तो मैग्नीशियम भी बोल दो, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे ये बना तो जो चार्ज tRNA था रॉ नंबर 1, जिसके माथे पे मिथियोनिन है और उसका एंटीकोडन UAC है, वो दौड़े दौड़े आया
और अपने कॉम्प्लीमेंटरिटी स्टार्टिंग कॉडन इनिशिएशन कॉडन के साथ आके बाइंड कर दिया, अपने साथ मैग्नीशियम फैक्टर भी लाया और अपने साथ यहाँ पे वो जीडीपी भी लाया। जीडीपी से क्या हुआ यहाँ पे, अच्छा उस दौरान जीडीपी से क्या हुआ था, हेलो बैलेंस टाइम में जीडीपी से यहाँ पे बाइंडिंग में भी एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, एंटी कॉम्प्लीमेंटरिटी है ना, वहां पे भी एनर्जी चाहिए, वहां पे काम आ गया वो जीडीपी। यहाँ पे क्या हुआ, जो टीआरएनए आया एंटर किया अंदर जो घुसा, अंदर जो घुसा है वो जो घुसा है टीआरएनए, तो वो जाके जब इनिशिएशन कोडन के साथ बाइंडिंग करेगा तो इनिशिएशन कोडन के बाइंडिंग के वक्त एक जीडीपी चाहिए एनर्जी, तो एक और जीडीपी यूज हो गया यहाँ पे। ठीक है साहब, हो गया जीडीपी यूज। अब क्या होगा, अब होगा क्या, दो दो मैग्नीशियम आयन अब तक आ चुका है, दो बार हुआ अभी तक, दो बार दो स्टेप हुआ इसमें, दो दो मैग्नीशियम आयन आ चुका है। फाइनली क्या हुआ, अब लार्जर सबनेट इस तरीके से आके फिट हुआ, मैग्नीशियम आयन है ही सही, मैग्नीशियम आयन लार्जर और स्मॉलर को अट्रैक्ट करा देंगे, जुड़वा देंगे, एक एंजाइम की प्रोसेस में होता है सब, जुड़वा देंगे और फाइनली क्या होगा, पी साइट में चार्ज टीआरएनए भर जाएगा, ए साइट और ई साइट खाली रहेगा और ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ज्योति एनी डाउट? नो सर। रिभा एनी डाउट? नो सर। और कौन है भाई, अतीक एनी डाउट? नो सर। निशा एनी डाउट? नो सर। चलिए अब देखें यहाँ नोट्स में आपके, मैंने नोट्स में सारा बात लिख दिया है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन थ्री स्टेप में कंप्लीट होता है सारी कहानी, थ्री स्टेप में कंप्लीट होता है सारा कहानी, इनिशिएशन एलोंगेशन टर्मिनेशन। पहला क्या पढ़ेंगे हम, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या क्या चाहिए, राइबोसोमल सबनेट चाहिए, फर्स्ट टीआरएनए चाहिए जो चार्ज टीआरएनए होगा, ठीक है, और एमआरएनए चाहिए, और एक सब मिलके क्या करेगा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये तो वह क्या होता है इनिशिएशन, रिक्वायरमेंट जीडीपी और मैग्नीशियम फैक्टर और कुछ इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोट में आई 1, 2, 3 और इसमें 10 तक। ये तो हुआ आपका। अब आते हैं स्टेप पे क्या क्या होगा यहाँ पे, ये देखो नोट्स में पूरा डायग्रामेटिक मैंने दिखा रखा है। ये देखो स्मॉलर सबनेट है ना, 30S होगा या तो 40S होगा। मैं प्रोकैरियोट की कहानी पढ़ा रहा हूँ इसलिए डायग्राम में बार बार मैंने 16S आरआरएनए लिखा है, लेकिन नीचे मैं पैरेलली प्रोकैरियोट की भी बातें करता चला गया हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सॉरी यूकैरियोट की बातें करता चला गया हूँ लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ प्रोकैरियोट का, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा मैंने कि यहाँ पे क्या होता है, ये 16S आरआरएनए और ये एमआरएनए, ये रहा स्टार्टिंग कोडोन, ये लास्ट कोडोन टर्मिनेशन कोडोन है, ठीक है। स्टार्टिंग कोडोन के पहले ये वाला पार्ट क्या है, एसडी सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या नाम है, साइने डालगार्नो सीक्वेंस, एसडी सीक्वेंस। ये केवल प्रोकैरियोट में होता है। अगर यूकैरियोट में हम बात करें एसडी सीक्वेंस की जगह क्या होता है, 7mg कैप होता है यूकैरियोट, ठीक है। और यही एसडी सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंटरिटी होता है, कौन, एंटी एसडी सीक्वेंस, एंटी साइने डालगार्नो सीक्वेंस, कहां होता है, 16S आरआरएनए में, कहां, प्रोकैरियोट। तो यूकैरियोट में क्या होता है इसकी जगह में, तो यूकैरियोट में क्या होता है, इन यूकैरियोट्स 80S आरआरएनए के पास जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है 7mg कैप का वो होता है। ये बात बता दिया मैंने, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड और मैग्नीशियम को लेकर एक कॉम्प्लेक्स बन के तैयार है। क्या हो रहा भाई, फर्स्ट क्यों रहा है, कॉम्प्लेक्स बन के तैयार है। अब ये देखो पहला वाला टीआरएनए कौन भाई, टीआरएनए ऑफ इनिशिएशन कोडन बाइंड्स टू एमआरएनए, फर्स्ट चार्ज टीआरएनए जिसके माथे पे यहां क्या लगा है भाई, टीआरएनए, सॉरी मिथियोनिन, और इसका एंटी कोडन क्या है, यूएसी। ये इनिशिएशन फैक्टर टू मैग्नीशियम और जीटीपी को लेकर एंट्री मार देगा अंदर, और देखते हैं अंदर क्या होता है। देखो ये अभी मत पढ़ना, इसमें देखो यहाँ जुड़ गया, देख लो जुड़ गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, एमआरएनए फॉर्मलाइज मिथियोनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, इसको आप ये भी बोल सकते हो एमआरएनए टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एमआरएनए और टीआरएनए अब फाइनली जाके बाइंड हुआ है, ठीक है। तो एमआरएनए टीआरएनए कॉम्प्लेक्स द अराइवल, अब उसके बाद क्या होने वाला है, देखो द अराइवल ऑफ लार्जर सबनेट्स कंप्लीट्स इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ इधर देखो, द अराइवल ऑफ लार्जर सबनेट्स कंप्लीट्स द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन कंपोनेंट्स टुगेदर, इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए एक साथ कुछ प्रोटीन फैक्टर, अब देखो लार्जर सबनेट्स अब आएंगे, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में एक बात मिसिंग है, यहाँ पे IF3 लिख देना, सॉरी IF1 भूल गया मैं लिखना, ठीक है लिख देना। तो इस तरीके से बाइंड हो जाएंगे और ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो जाएगा।
कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया। यहां तक कितनों को समझ में आ गया, हाथ रख दीजिए जल्दी से। कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया। चलिए तो IF1 हाँ, पहले 3 तब 2 तब 1, उल्टा होता है, यूज उल्टा होता है। नाइमिंग नेमिंग का अलग क्राइटेरिया है लेकिन यूजिंग उल्टा होता है, ठीक है। चलिए अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होता बोल सकते हैं। अतीक एनी प्रॉब्लम? नो सर। ज्योति? नो सर। निशा? निशा? निशा एनी प्रॉब्लम? निशा क्लास कर रहे हो? निशा आवाज नहीं जा रहा है, फिर एक क्लास ज्वाइन करके अपना उधर एंजॉय कर रही है, यही सब ना है ऑनलाइन क्लास में। उधर बच्चा क्या कर रहा है टीचर को कुछ थोड़ी ना पता चलता है, तब कैमरा ऑन करवा के रखते हैं, लेकिन लड़की लोग इसका गलत फायदा उठाती है। छोड़ो मुझे क्या समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, जब बच्चा रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा तो मैं क्या करूँ भाई। चलो ठीक है, अगले मीटिंग में मिलते हैं और इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं।